हेलो गाइस, आज हमारा है नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन होता है जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास होती है उसका पार्ट। तो सिंपल अगर हम बोलें तो फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसका इतना फ्रैक्शन है तो उसका मतलब है इतना पार्ट है उसका। तो हमें अभी इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो बाकी आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बोल दूँ कि अगर कोई एप्पल है तो उसमें से 1/4 फ्रैक्शन कोई उसका खा लेता है। जैसे अमन ने 1/4 फ्रैक्शन उसका खा लिया तो इसका मतलब है कि इसके टोटल 4 पार्ट थे उसमें से एक पार्ट अमन खा गया। ये होता है फ्रैक्शन का मतलब, इसका पार्ट। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखो ये बोलता फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन डाइस डाइस 20 ड्रेसेस आउट ऑफ 30। टोटल ड्रेस 30 थी उसमें से उसने 20 डाई कर दी। फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ डाई ड्रेसेस। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें जब फ्रैक्शन पूछे तो हमें ये देखना है कि किस चीज़ का फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो जिसका फ्रैक्शन पूछे वो हमें न्यूमरेटर में लेना है और जो टोटल क्वांटिटी होती है वो हमारी डिनोमिनेटर में आ जाती है। जैसे मैंने इसका एप्पल का एग्जांपल लिया था तो टोटल पार्ट थे वो 4 थे और उसने 1 खाया तो 1 ऊपर ले लिया और 4 डिवाइड में आ गया। तो हमने क्या लेंगे, डाइस ड्रेसेस कितनी हमारे पास 20 और टोटल ड्रेस कितनी थी, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, टोटल ड्रेस हमारे पास थी 30। तो इसने फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन किसका निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ डाइस ड्रेसेस, जो ड्रेस उसने डाई की थी उनका फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी डाई की हुई ड्रेसेस थी, डाई ड्रेसेस डिवाइड टोटल ड्रेस। मैंने बताया था ना कि टोटल क्वांटिटी होती है वो डिवाइड में आ जाती है। तो डाई कितनी की थी उसने 20 और डिवाइड टोटल कितनी थी हमारे पास 30 ड्रेस। तो इसको जो कैंसिल करेंगे 10 से 2 को 10 से 3, तो 2/3 इसका क्या आ गया, ये जो डाई की थी उसका फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि टोटल क्वांटिटी में से फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल दी। तो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 130। राइट नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 130 तक नंबर लिखें। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है कि उनमें से प्राइम नंबर कितने होंगे, उनका फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं 102, 3, 4, 5, 6, 107, 108, 109, 110, 111, 12 and 13। ठीक है, तो ये हमारे पास 102 से लेकर 113 तक हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो है इनमें से हमें क्या निकालने, प्राइम नंबर निकालने। प्राइम नंबर, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं। तो हमें वो नंबर ढूंढने हैं, यानी जो अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होते हैं वो वाले नंबर ढूंढने हैं। तो देखो 103 जो हो गया वो किसी भी टेबल में नहीं आता, तो ये हो गया 104 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 107 हो गया, 8 भी आता है, 109 हो गया और 111 हो गया। 111 नहीं होगा क्योंकि 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा और हमें पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 10 समझ अगर हुआ तो डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा 113 होगा। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए, 1, 2, 3 and 4। प्राइम नंबर कितने हो गए 4। तो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर का हमें फ्रैक्शन निकालना क्या हो जाएगा, 4 जो हमारे पास है प्राइम नंबर, यानी हमारे पास प्राइम नंबर डिवाइड टोटल नंबर जो हमने लिए थे वो नेचुरल वो। तो प्राइम नंबर कितना है हमारे पास 4 और डिवाइड टोटल कितने नंबर थे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। इसमें बिटवीन बोला था, क्या बोला था, नहीं नेचुरल नंबर बोला था, इतने से इतने तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने नंबर हो गए 12।
को इसको कैंसिल करेंगे तो 1 से 3, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया प्राइम नंबर का 1/3, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोल रहा है क्रिस्टन रिसीव्ड सीडी प्लेयर, एक सीडी प्लेयर मिलता है उसको एंड शी गेट 3 सीडीज ऑन हर बर्थडे एंड 5 सीडीज शी बॉट। उसको 3 सीडी तो अपने जन्मदिन पर गिफ्ट में मिली थी और उसने 5 सीडी खुद खरीदी थी, तो हमें बताना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है फ्रैक्शन ऑफ गिफ्टेड सीडीज जो उसको गिफ्ट मिली थी वो वाली, और सेकंड में बताना है फ्रैक्शन ऑफ दोज शी बॉट जो उसने खरीदी थी उनका भी फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गिफ्टेड कितनी थी हमारे पास 3 सीडीज। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो रहा है इसका, और उसके पास कितनी खरीदी थी खुद ने 5 सीडीज, टोटल सीडीज कितनी हो गई 5 + 3 = 8 सीडीज, यानी ये हमारे पास तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है क्या, फ्रैक्शन ऑफ गिफ्टेड, तो मैंने पहले बताया था कि जब जिस चीज़ का पूछा जाए उसको हम न्यूमरेटर में लेना है, तो गिफ्टेड सीडी कितनी थी वो न्यूमरेटर में और टोटल सीडीज डिवाइड में देता, तो गिफ्टेड कितनी थी, कितनी गिफ्ट की थी उसको 3 डिवाइड, टोटल क्वांटिटी कितनी थी सीडीज की 3, तो ये आ गया इसकी फ्रैक्शन गिफ्ट जो हुई थी उसके बर्थडे पर जो उसको सीडी मिली थी उनका, और सेकेंड में जो उसने पूछा था फ्रैक्शन ऑफ शी बॉट जो उसने खरीदी थी उसका क्या हो जाएगा, कितनी खरीदी थी 5 और टोटल कितनी थी 8, तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो जब फ्रैक्शन निकलवाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का फ्रैक्शन पूछा जाए उसको न्यूमरेटर में लेना है और जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको डिनोमिनेटर में, जैसे इसने वोट वाला पूछा था 5 ऊपर ले लिया तो खरीदी थी डिवाइड में टोटल क्वांटिटी। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस वर्क, तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिए, और अगर अब भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।